नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोलिया रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम भिंडी की सब्जी बनाने जा रहे हैं। जो हम भिंडी की सब्जी बनाएंगे इजी है और जल्दी भी तैयार हो जाती है और टेस्टी भी लगती है। कम मसाले का हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं अपनी भिंडी की सब्जी। अभी हम भिंडी की सब्जी बनाएंगे। तो भिंडी की सब्जी के लिए मैंने छोटे छोटे ऐसे भिंडी का इस्तेमाल किया है। ये देखिए, ऐसे इसको मैंने धो दिया है और थोड़े से मैंने इसको काट भी लिया है। ये देखिए, ऐसे बीच में से इसको भी ऐसे ही काटेंगे। अभी हम दोनों तरफ से काट देंगे ऐसे और बीच में से ऐसे काटेंगे और देखेंगे अंदर से कीड़ा बीड़ा है क्या। तो और ऐसे सभी को काटेंगे। अभी जो बचे हुए अपने भिंडी इसको भी ऐसे काटेंगे। ये देखिए, सभी भिंडी को हमने काट लिया। अभी हम सब्जी बनाएंगे भिंडी की। तो उसके लिए मैंने इसमें तेल डाला है 1 चम्मच। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अभी इसमें हम राई डालेंगे। एक चम्मच जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे 1/2 चम्मच। अभी इसमें हम प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ और हरी मिर्च डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च भी डालेंगे सूखी वाली 2-3 ऐसे काट के। इसको भी थोड़ा सा तेल में तलेंगे। अभी अच्छे से तलकर तैयार हो गए प्याज, हरी मिर्च और लाल मिर्च। अभी इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, दरदरा सा फूटा हुआ। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसको तलेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा इसको भून लिया है। अभी इसमें हम टमाटर डालेंगे बारीक कटा हुआ। काफ़ी सिंपल सी रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत टेस्ट लगती है और झटपट तैयार हो जाती है। अभी इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, हल्दी डालेंगे 1/2 चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद जीरा का पाउडर डालेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे 1/2 कटोरी। अच्छे से चम्मच से हिला देंगे और पकने देंगे। ढक्कन लगा के इसको थोड़ा सा पकने देंगे 1-2 मिनट। अच्छे से अपना मसाला पक गया है। ये देखिए, मैंने मीठा वाला दही इस्तेमाल किया है। आप खट्टा वाला भी दही इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप खट्टा वाला दही इस्तेमाल करेंगे तो आमचूर पाउडर या नींबू डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसमें हम मीठा वाला दही इस्तेमाल किया है तो आमचूर पाउडर थोड़ा सा डालेंगे। ये देखिए, इतना अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अभी हम अपनी भिंडी इसमें डाल देंगे। ऊपर से थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, पाव चम्मच से कम मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर इसमें डाल दिया है। अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और 5 मिनट इसको पकाएंगे और बाद में चेक करेंगे। अभी हम खोल कर देखेंगे 5 मिनट के बाद। चम्मच से एक बार चला देंगे इसे। अभी ये 5 मिनट हो गए अपने अच्छे से। मैंने इसको 5 मिनट के बाद हमने चेक किया है। ये देखिए अच्छे से भी ये थोड़ा सा पक गई है। अभी इसमें हम 4 से दही डालेंगे, ऊपर से 1/2 कटोरी मीठा वाला दही। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और से इसको हम ढक्कन लगा के पकाएंगे 5 मिनट। 5 मिनट हो गए हैं, अभी हम ढक्कन खोलेंगे। हमने नमक नहीं डाला है तो स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। अभी मैंने बाद में नमक डाला है 10 मिनट के बाद। पानी छोड़ती है अपनी भिंडी नमक डालने से, इसीलिए मैंने बाद में नमक डाला है। इसको अभी हम ऐसे ही पकाएंगे, अभी हम ढक्कन नहीं लगाएंगे। जो चिपचिपा सा है वो निकल जाएगा भिंडी का। ये देखिए अपनी सब्जी तैयार हो गई है, अच्छे से नरम भी हो गई है अपनी सहे। भिंडी भी अच्छे से नरम हो गई है। देखिए अभी हम गैस बंद कर देंगे, अपनी सब्जी तैयार हो गई है रोटी चावल के साथ खाने के लिए। अपनी भिंडी की सब्जी तैयार हो गई है। ऊपर से हम हरा धनिया डालेंगे। आप इसमें आलू भी डाल सकते हो। एनीवे जैसे मैंने भिंडी को काटा है वैसे आप आलू को काटकर इसमें डाल सकते हो, वो भी अच्छी लगती है आलू डालने से भी। ये जो रेसिपी है सभी को पसंद आएगी और खाने में तो बहुत ही टेस्ट लगती है। आप इसको रोटी के साथ चावल के साथ भी खा सकते हो और सभी को पसंद आएगी। और कोई जो खाते नहीं हैं ऐसे बनाकर खिलाएंगे तो ज़रूर खाएंगे हो। तो मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो एक बार ज़रूर बनाकर देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।